आइए बेटा क्वेश्चन 28 देखते हैं। डीके गोयल का क्वेश्चन है, एबीसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st जुलाई। एबीसी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1st जुलाई से, यानी पहले बता दू 9 मंथ्स हो गए। कैलकुलेट आईओडी ऑफ मिस्टर ए एट 9% पर एनम फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च। 9 मंथ्स के लिए निकालना है बेटा। इफ ही विड्रू ₹10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर वो ₹10,000 महीना निकाल रहा है हर महीने की स्टार्टिंग में, तो अगेन बेटा क्या एवरेज टाइम निकालना मेन खेल है। पहले तो ये बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी अगर हर बार ₹10,000 निकाल रहे हैं, तो 10,000 × 9 यानी 90,000। अब इसके अंदर एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल टेक्निक आपको समझ आ चुकी होगी। जैसा हमने यहां करा था कि अगर टोटल टाइम पीरियड 6 है तो 6 लेके चले थे, टोटल टाइम पीरियड 12 है तो 12 लेके चले थे। याद आया पॉइंट? सेम हमने सिंपल सा टोटल टाइम में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसका एवरेज टाइम, आइए फॉर्मूला वही बनेगा एवरेज टाइम का। क्या इस बार टाइम पीरियड कितना होगा? इस बार टाइम पीरियड होगा मेरा 9 का, टोटल टाइम क्या है 9, तो 9 प्लस बिगिनिंग है तो प्लस, एंड है तो माइनस। क्या ऐड करेंगे? 1 और 3। हाफ ईयरली क्यों नहीं सर? मैंने कहा बेटा हाफ ईयरली क्यों नहीं, क्योंकि भाई 6 महीने निकालोगे, 6 महीने दूसरे पूरे ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए हाफ ईयरली को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, हाफ ईयरली हो ही नहीं पाएगा, करके देख लो चाहो तो, 6-6 महीने गैप आएगा ही नहीं। तो 9 + 3/2, इसका 9 - 1 या 3/2, और इसका 9/2 क्या हो जाएगा मंथली का? 9 + बिगिनिंग है तो प्लस, मंथली है तो 1/2 यानी आ गया 5, इसका 9/2, एंड का 9 - 1/2 यानी 4। अब अगर क्वार्टरली है तो 9 + 3/2 यानी 12/2 = 6, 9/2, 9 - 3/2 3। अब हो गया 2 मिनट का खेल, आओ क्वेश्चन पे वापसी आते हैं। इसमें एक 28 का सी पार्ट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हर मंथ की स्टार्टिंग में है, एवरेज टाइम मैंने पहले निकाल लिया, क्या हो जाएगा टोटल टाइम 9, बिगिनिंग है तो प्लस, मंथली है तो 1/2 दैट इज 5। आईओडी 90,000 × में एवरेज टाइम इज 5 × 1/12 × कितना परसेंट 9/100। कैलकुलेट कर दो कितना बैठेगा आपका, ये पहले तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो मैं अभी कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। दैट वुड बी 900 × 5 × 9/12, 3375 इज द आंसर, जो कि इससे मैच करता है, राइट। अब एक जो इसमें इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है, नोट हमने बात पहले भी पढ़ी है कि जब टाइम पीरियड ना लिखा तो हम 6 मंथ्स लेते थे, क्योंकि उस समय ड्राइंग्स हमारी 12 महीने की थी। बट मान लो ड्राइंग्स हुई 9 मंथ्स की रही है तो क्या करोगे? तो बेटा मिडिल वाला लेके चलते हैं। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन आईयूडी विल बी कैलकुलेटेड और मिडल ऑफ द पीरियड। जितनी टाइम की ड्राइंग्स है उसका मिडल वाला, यानी अगर मेरी यहां पर सी पार्ट में पढ़ेंगे तो ड्राइंग्स के डेट नहीं गिवन, तो मैं 9 मंथ्स का मिडल वाला लूंगा। बताता हूं कैसे। ए बी सी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1st जुलाई, कैलकुलेट आईओडी फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च 2021। आगे पढ़ना,
इफ ही विड्रू रुपीज 10,000 पर मंथ, अगर वो 10,000 रुपये महीना निकाले, बेटा ये बताओ क्या यहाँ पर बताया बिगिनिंग है, मिडल है या एंड है? नहीं बताया ना, तो मैं क्या कंसीडर करके चलूंगा? मिडल। तो बी पार्ट के लिए, सी पार्ट के लिए क्या केस हो जाएगा? आईओडी 90,000 की टोटल ड्रॉइंग्स इनटू में, मिडल क्या है बेटा? मिडल है 9/2, 9/2 इंटू में 1/12 इंटू में कितना परसेंट है? 9% अपॉन 100। सॉल्व कर दो, पहले बता रहा हूँ ये आएगा 3037.5, राउंड ऑफ कर दोगे 3038, ये आंसर आएगा, राइट? अब एक सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट, इफ पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन, अगर पर एनम वर्ड ही नहीं गिवन, देन आईओडी विल बी कैलकुलेटेड, आईओडी विल बी कैलकुलेटेड विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ड्रॉइंग्स के आगे पर एनम ही नहीं लिखा हुआ, आई मीन परसेंट के आगे, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ छोटा सा। सपोज राम विड्रू रुपीज 12,000 ड्यूरिंग द ईयर, राम ने इतनी विड्रू करी यानी ड्राइंग्स करी, एंड आईओडी इज 10%, कैलकुलेट आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो 10% है, तो आईओडी निकालना है। बट एक बात ध्यान समझना, हम लोग अभी तक क्या लेते थे, पूरे साल का है तो 6 महीने लेते थे, यस और नो? 6 मंथ्स। बट यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सीधा 12,000 को मैंने 10/100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वर्ड पर एनम मेंशन नहीं है, उस समय टाइम को देखना ही नहीं है। तो कितना हो जाएगा बेटा ये? 1200। ये था आपका आईओडी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसमें एक और आती है इरेगुलर। इरेगुलर के अंदर क्या है वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा आगे चल के, अभी नहीं, अभी पहले हम अपना बेस स्ट्रांग कर ले। आपको अगर लगा कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, या मैं बहुत अच्छी ना बोलूँ, काम की है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।